हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं ये भी सब्जियाँ लेके आई हूँ, तो अभी ये निकालूँगी। तो मैं सोचूँ अभी ना शाम को बीन्स बना लेती हूँ। बीन्स, रायता, रोटी, देखती हूँ क्या बनाते हैं। हाँ दीदी, कहाँ बॉल खेल लिया? लाओ दे दो। देखो थक जाती है, आधी दूर बॉल लाते लाते तक थक जाती है। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? खेलना है नहीं बॉल? बॉल खेलना है? खेलना है? चॉकलेट खानी है? कैंडू को चॉकलेट खानी है? अच्छा चॉकलेट चॉकलेट। नहीं खानी? चॉकलेट खानी है? लो उसको रख देती हूँ, नहीं खानी तो ठीक है। लौटा है, लेकर आई हूँ। तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है उसको, तो दूध देने को डॉक्टर ने अभी मना किया है क्योंकि पेट थोड़ा ख़राब है। तो दूध देना नहीं है, तो कुछ तो खाने के लिए देना ही है। मैगी भी वैसे नुकसान ही करेगी, पर कई दिन से बोल रहा है तो इसलिए बना दिया आज मैंने। तो मिलते हैं आपसे। तो अभी मैं ये बीन्स लाई हूँ, बीन्स बनाऊंगी और सुबह मैं बनाऊंगी भिंडी। तो भिंडी को अभी मैं धुल के रख दूंगी क्योंकि कल से स्कूल शुरू है, तो सुबह सुबह उठना पड़ेगा और सारा काम करना है, लंच वगैरह बनाना रहेगा, तो इसलिए अभी मैं धो के इसे रख दे रही हूँ। मेरा प्रसाद दीदी ने दिया आज पूर्णिमा। ये कितना दिया है? अच्छा अपना सामान मिलाओ ना। हाँ तो कोई बात नहीं, ना। तो अभी मैंने सब्जियां धो ली हैं और मैं रायता बना के रख दूंगी। बूंदी का रायता बना रही हूँ, तो बना के उसे फ्रिज में रख दो तो ठंडा रहता है, तो सही लगता है खाने में। तो इधर मैं रायता पहले बना के रख दे रही हूँ सबसे पहले फ्रिज में। और मैं काट लूंगी फटाफट सब्जियां। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप किचन में 5 मिनट भी खड़े हो तो ऐसे लगता है जैसे हमने नहा लिया है। चाय रहेगी तो फिर लाइट चली जाती है। हाँ तो लाइट है ना, जाती है लाइट है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या किसी को कुछ नहीं हो सकता। कैंडी को नहीं देना टॉफी? छत पे अभी रुक जाओ, पहले मैं खाना तो बना लूं। अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, बैग नहीं लगाए हो अभी, मुझे यूनिफॉर्म वगैरह निकाल के रख देना है ना, अभी नहीं रख दूंगी सुबह, फिर जानते हो। और आज जल्दी सो जाना। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, मेरी बीन्स देखिए इधर कट चुकी है। डाल देंगे पहले जीरा और इसे कर दिया, डाल देंगे ये प्याज ऐसे। फिर डालेंगे हरी मिर्ची, कितनी पकानी है मुझे ज्यादा नहीं पकानी है। और ये मैंने डाला गरम मसाला और हल्दी, तो अच्छे से करेंगे मिक्स और उसके बाद डाल देंगे इसमें बीन। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी, अब इसमें टमाटर डालूंगी और टमाटर डाल के इसे ढक देंगे। इधर देखिए बैग लगाने के लिए मैं कह दिया है, बैग तो लग गया मगर ये हॉलीडे होमवर्क का सामान अभी भी पूरा फैला हुआ है क्योंकि
होमवर्क पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और ये थोड़ा सा काम करने के बाद थोड़ी देर बाद टीवी देखने लगता है। मुझे भी सुबह की तैयारी करनी थी, मैं यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करने लगी, करती रहूँगी होमवर्क, देखती हूँ कितना ख़त्म हो पाता है। थोड़ा मैं करती हूँ, थोड़ा बेटे से कर, शायद मेंटल ग्रोथ के लिए देते होंगे और साथ में काम करने के लिए देते होंगे, बच्चों के लिए दिया जाता है हॉलीडे होमवर्क, कुछ तो फ़ायदा होता होगा इसलिए दिया जाता होगा। कुंडू कुंडू क्या हुआ? कहाँ कुंडू का नीनू आ रहा है क्या? सो जाओ। तो इधर मेरी सब्जी भी आई थिंक तैयार हो चुकी है, बीन से तो बहुत जल्दी बन जाता है, इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता। इधर मैं बना रही हूँ रोटी 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 रोटी। जल्दी खाना खाओ बेटा, ये काम हॉलीडे होमवर्क का थोड़ा सा खत्म करो। ये फ्लिप बुक में तब तक मैं कलर लग कर देती हूँ ना, लिख दिया आपने सारा, मैं कलर कर देती हूँ बस। तो इधर मैंने सुबह की भिंडी भी काट के रख दी है, क्योंकि मेरे पास टाइम बचा हुआ था तो मैंने सोचा सुबह की भिंडी भी काट देती हूँ। पानी अच्छे से सूखा रहता है ना तो ये भिंडी बहुत अच्छी बनती है। और ये रहा मेरा डिनर, हस्बैंड को आने में लेट होगा इसलिए मैं खा ले रही हूँ। अभी मुझे कैंडी को भी खाना खिलाना है, वो अपने हाथ से खाती नहीं है। उसके बाद हो गई रात, और रात को सोने से पहले आज मैंने ये काम करना था, ये मैं बना रही हूँ डीटॉक्स वाटर बना रही हूँ। तो इसमें खीरे के कुछ स्लाइसेस, जैसे कांच या स्टील के बर्तन में ही बनाइए, खीरे के कुछ स्लाइसेस और नींबू, मैंने अपने में तो थोड़ा नींबू डाला है, हस्बैंड वाले में आधा नींबू पूरा डाल दिया। और रात भर के लिए इसको ऐसे ही बंद करके रख दूँगी, और सुबह इसको सलाइवा के साथ ही पीना है, मतलब बिना ब्रश किए आपको इसे पीना है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ ये पता होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग सौंफ का पानी, जीरे का पानी पी रहे हैं वेट लूज़ करने के लिए और डिटॉक्सिंग के लिए। तो मैं फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, देखती हूँ कैसा लगता है।